आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत एक बढ़िया सा रेसिपी। आज बनाने वाला है पॉम्फ्रेट मालवनी। तो पॉम्फ्रेट मालवनी कैसे बनाने हुआ आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अभी बनाने वाला हूँ पॉम्फ्रेट मालवनी मसाला। तो आप लोग देखते रहिए पॉम्फ्रेट मालवनी कैसे बनाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालने वाला हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डालने वाला हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाला हूँ। आप इसको थोड़ा सा इस तरह मैरिनेट करके रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा मैरिनेशन पॉम्फ्रेट। तो आप इसमें सबसे पहले डालने वाला हूँ मस्टर्ड, साथ साथ डालने वाला हूँ जूलियन काटा हुआ हरी मिर्च, साथ ही साथ डालने वाला हूँ ढेर सारा करी पत्ता। आप डालने वाला इसमें कम से कम 20 ग्राम कोकोनट ऑयल, 20 ग्राम कोकोनट ऑयल, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ डालने वाला हूँ एक बड़ा चम्मच कटी हुई कीमा किया हुआ गार्लिक। तो इसको हम इस तरह स्लो गैस में इसको छोटे कर लेते हैं। तो इस तरह हम इसको छोटे कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, जैसे ये थोड़ा सा लाल होने लगे वैसे हमको इसमें डालना है क्या है, मच्छी। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि ये तड़का हमारा थोड़ा ब्राउन हो रखा है। अब हम डालने वाला हूँ ये पॉम्फ्रेट ट्रे इसमें इस तरह। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारा रनिंग ऑर्डर है, लाइट कुकिंग है, हमारा ऑर्डर में कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो नॉर्मल फ्रेश ऑर्डर जैसे हमारे पास आते हैं रेस्टोरेंट पे, उसी तरह हम ऑर्डर मार के पिकअप करते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मछली को थोड़ा सा इसके साथ छोटे कर लेना है, साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी और डाल देते हैं। डालने वाला हूँ थोड़ा सा कोकोनट, जैसे कि मालवनी बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल देंगे इस तरह। डालेंगे आप थोड़ा सा चॉप मसाला, साथ ही साथ डालेंगे दोस्तों ये हमारा मालवनी मसाला बना हुआ रेडी है, इसको हम डाल देंगे। अब साथ साथ हम डालेंगे एक डब्बू सौंफ हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हमने मालवनी मसाला डाल दिया है, अब इसको थोड़ा पकाना है। इसको पकाने के लिए थोड़ा सा हम स्टॉक और इस्तेमाल करेंगे, इस तरह मीडियम आंच पे मीडियम टेम्परेचर में पकाना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा फास्ट पकाएंगे तो हमारा ग्रेवी पहले बन जाएगा और मच्छी हमारा कच्चा रह जाएगा। इसको ज़्यादा हाई स्पीड नहीं करना है, तो मीडियम ही बनाना है। आप डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये कश्मीरी मिर्ची का पाउडर है हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक 1 टेबल स्पून
धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, अब सब हम डालने वाले हैं इसमें एक डब्बू वेज ग्रेवी। पूरा सा डालेंगे हाफ एक टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी। हमारा कॉम्प्लेक्स मसाला जो है बहुत बढ़िया सा काला काला रखा है, तो मालवाने की ग्रेवी जो है मालवाने ग्रेवी सेम ग्रेवी बन चुका है हमारा। दोस्तों नमक जो है आप लोग स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम डालने वाला एक स्लाइस लेमन जूस, ठीक है दोस्तों, एक स्लाइस लेमन का जूस डाल देंगे हम इसमें। सी फूड है तो दोस्तों थोड़ा खट्टा होना जरूरी है, साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा कोथिंबीर, धनिया पत्ता काटा हुआ, साथ साथ डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली का पेस्ट थोड़ा सा कलर आने के लिए। थोड़ा सा स्टॉक और डाल देंगे हम। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते थे हमारा मछली का बहुत बढ़िया सा कलर रखा है, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर रखा है। इसी तरह इसको और पकने देना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो खुशबू है दोस्तों मालवाने का, कि क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ही तगड़ा खुशबू आ रहा है इसका। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो मालवाने ग्रेवी है ये थोड़ा ठीक चाहिए कस्टमर को, तो हमने इसको थोड़ा ठीक बना रहा हूँ। आप लोगों को जितना पतला चाहिए आप लोग उतना पतला बना सकते हो, क्योंकि हमारा जो अलाकार्ट ऑर्डर है उसमें थोड़ा कस्टमर को ठीक चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने को क्या ठीक करना है, आप थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर जो है और डाल देंगे, क्योंकि उनको ठीक चाहिए ग्रेवी, और साथ ही साथ थोड़ा सा कोथिंबीर और डाल देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा पॉम्फ्रेट जो मसाला है मालवानी वो बन के रेडी है। आप हम इसको टेबल पे डाल देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा प्लेट में सर्व करना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा पॉम्फ्रेट जो है रेडी है बनके, आप इसको पिकअप करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो पॉम्फ्रेट मालवाने मसाला है एकदम ड्राई मसाला है, ये बन के रेडी है। इसको बड़ी प्यार से हम इस तरह पिकअप कर लेंगे। ये हमारा हो गया रेडी पॉम्फ्रेट मालवाने मसाला, एकदम ड्राई मसाला है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह टमाटो को लगा देते साइड साइड से। तो दोस्तों ये जो मसाला बना हुआ है इसके साथ दोस्तों आप लोग रुमाली खा सकते हो, साथ साथ रोटी खा सकते हो, साथ साथ चपाटी का भी मज़ा ले सकते हो। तो थोड़े से हम इसका ऊपर से डेकोरेशन के लिए मार देंगे कोकोनट पाउडर। साथ साथ मारेंगे थोड़ा सा क्रीम। तो दोस्तों हमारा जो पॉम्फ्रेट मालवाने मसाला बनके रेडी है दोस्तों। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और इसी तरह नया नया रेसिपी का मज़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉम्फ्रेट मालवानी मसाला। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, इसी तरह घर पे बनाए, सबके लिए बनाए, बहुत मज़ा आने वाला है खाने में और सबकी तारीफ लेने के लिए। इसी तरह पॉम्फ्रेट मसाला मालवानी स्टाइल पे बनाते रहिए। खाने में बना, खाने में